नमस्कार। जैसा कि मित्रों आप देख पा रहे हैं, मेरे हाथ में आज जो ये औषधीय पौधा है, ये कंटकारी का औषधीय पौधा है। और ये क्रीपर जैसा जो है होता है, इसे हम रेंगनी बोलते हैं, क्योंकि धरती पे जो है वो रेंगता है, रेंग के फैलता है। और इसका जो बॉटनिकल नाम है वो सोलेनम जैंथोकार्पम है। सोलेनेसी ये फैमिली से बिलोंग करता है। और मेरे हाथ में आप इसे देख सकते हैं, ये इस तरह से जो है वो ज़मीन पे रेंगता हुआ लगता है। ये जड़, अगर आप इसे इमेजिन करें तो ये जड़ नीचे और इसी तरह से ये फैलता जाता है। और दूस परसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कांटे जो हैं वो इतने होते हैं कि जो है वो आप इन्हें टच करेंगे एकदम से आपको इंजेक्शन जैसा जो है वो चुभन इससे हो जाएगी। तो इसकी जड़ें भी आप ये देख सकते हैं, ये जड़ें इसकी रहती हैं। तो बेसिकली तो लघु पंचमूल का एक द्रव्य है, तो इसमें मूल ही हम प्रयोग करते हैं, लेकिन आम जो व्यवहार है औषधीय ग्रहण इसका, योग का, हम पंचांग इसमें जो है वो प्रयोग कर लेते हैं। थोड़ा सा निवेदन करूँगा इसके, आप फ्रूट्स जो है वो दिखाएं। ये फ्रूट्स हैं इसके, ये बृहत सॉरी कंटकारी का जो है ये फ्रूट्स है, पूर्ण परिपक्व जो है ये हो चुके हैं। और मैं थोड़ा सा आपको इसके पुष्प भी दिखाना चाहूँगा, क्योंकि आज हमने इसे संग्रहित कर लिया है। ये देखिए इस तरह से बैंगना बैंगनी जो आभा है, उस तरह का जो ये पुष्प है, ये उस तरह की ये रहते हैं। टूट के हाथ में आ गया, ये देख सकते हैं आप इस तरह से। और ये जो है वो टोकरी भर के आज हमने इसे संग्रहित किया है। इसे हमने स्वयं जो है वो कृषि करण के तौर पर अपने खेतों में फार्म में लगाया है, ताकि जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम इसको जो है वो निकाल कर इसका जो है वो दिव्य योग हम बना सकें। तो ये कुछ ऐसे औषधीय द्रव्य हैं जो ऑलमोस्ट अब जो है वो लुप्त प्राय हो रहे हैं, इनका संरक्षण और संवर्धन जो है वो नहीं हो पा रहा है। एक मैं तथ्य आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर लोग, जो बुजुर्ग लोग जो जानकारी रखते थे, वो क्या करते थे कि इसको संग्रहित करके, इसका कूट पीस के, इसको चूर्ण बना के, किसी और द्रव्य में मिक्स करके, वो गाय भैंस बकरी यानी कि पशुओं के किसी भी प्रकार की रोग में उनको अनपच हो जाता था, उनको कब्जी हो जाती थी, या कुछ गले में खरांस वगैरह किसी बकरी को या भैंस को होती थी। तो मैंने ये सुना बुजुर्गों से कि वो इसे देते थे। और मानस जाति में लोगों को इसका क्या प्रयोग करना है वो बिल्कुल भी पता नहीं है, ये मैंने एक सर्वेक्षण में पाया है। तो हमें इसके संरक्षण की ज़रूरत है, संवर्धन की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही ये दिव्य औषधि है और अक्सर आपको ये नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी भी तो आपको खड्ड और ऐसे चो नाले के किनारे, जहाँ पे हमारे यहाँ बोलते हैं ना सप्पड़, जिसे बोलते हैं सप्पड़ युक्त एक भूमि, बिल्कुल एक रेतली जैसी जो हार्ड भूमि होती है या एक पथरीली भूमि होती है, उस भूमि में ये अक्सर पाया जाता है। ऐसी भूमि जहाँ पे नमी रहती हो, दलदल हो, चिकनी मिट्टी हो, वहाँ पे ये औषधीय पौधा जो है वो बिल्कुल नहीं पाया जाता है। तो ये जो है वो आपका कंटकारी औषधीय पौधा है। लघु पंचमूल, शालपर्णी, कृष्णपर्णी, बृहती, कंटकारी और गोक्षूर में से ये एक औषधि द्रव्य है। बहुत ही ये जो है वो लाजवाब औषधि है। तो हम इसे अब जो हम आगे योग बनाने जा रहे हैं, उसमें विशुद्ध तौर पर जो है वो इसे पंचांग चूर्ण बनाकर, कषाय यवकूट चूर्ण बना के जो है वो इसे प्रयोग करेंगे। तो ऐसी कुछ दिव्य जानकारियों के लिए, दिव्य औषधि दर्शन के लिए बने रहें आप वैद्य अभिषेक ठाकुर के साथ। नमस्कार। जय भगवान धन्वंतरी। जय आयुर्वेद।